स्पा सेंटरों के नाम पर देह व्यापार करने वाले दो सेंटरों पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान 8 ग्राहक लड़के और 9 लड़कियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। आधुनिक शहर के रूप में पहचान बनाने वाले इंदौर में स्पा सेंटर के नाम पर धड़ल्ले से देह व्यापार संचालित किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस ने दो स्पा सेंटरों पर छापामार कार्रवाई कर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। मंगलवार को लसूरिया क्षेत्र में स्थित ब्लू ओशन स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मार कर सेक्स रैकेट को पकड़ा है। इसे एक महिला चला रही थी। मौके से 8 ग्राहक लड़के और 5 लड़कियां पकड़ी गई है। वहीं जावरा कंपाउंड स्थित करस्टर ब्यूटी स्पा पर भी छापे की कार्रवाई की गई है। यहां से पुलिस ने ग्राहकों सहित 4 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। दोनों स्पा का संचालन महिला द्वारा किया जा रहा था। क्षेत्र में स्थित ब्लू ओशन स्पा सेंटर पर योजना बनाकर दबिश दी। पुलिस ने एक आरक्षक को ग्राहक बनाकर भेजा और मौका मिलते ही छापा मार दिया। यहां पर 2000 रुपए से लेकर लड़कियां उपलब्ध कराई जाती थी। 1000 रुपए संचालिका खुद रखती थी और 1000 रुपए लड़की को मिलते थे। उक्त स्पा सेंटर पर अवैध गतिविधियां संचालित होने की शिकायत रहवासियों द्वारा भी पुलिस से की गई थी। देखिए हमारे पास आज थाना लसुड़िया में उनकी एग्जैक्ट सूचना थी कि ब्लू ओशन सेंटर स्पा जो चलाते हैं एन होटल्स के ऊपर है 78 में, उसकी एक कन्फर्मेटिव सूचना के आधार पर TI लसूड़िया मैं बल के साथ पहुँचे। सूचना की पुष्टि की, पुष्टि करने के बाद रेड किया। रेड करने पर पाया कि ब्लू ओशन स्पा सेंटर में अलग अलग केबिन्स बने हुए हैं। केबिन्स में 5 लड़कियाँ और 8 पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में मिले। मौके की तलाशी ली गई। तलाशी लेने के बाद वहाँ आपत्तिजनक वस्तुएं मिली, जिससे स्पष्ट होता है कि अनैतिक व्यापार स्पा की आड़ में अनैतिक व्यापार चल रहा था। उनको सबको मौके की कार्रवाई करके रेड किया है। उनके खिलाफ अनैतिक व्यापार की कार्रवाई की जा रही है और इस तरह की अगर क्षेत्र में और भी कोई सूचना मिलती है तो कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर माया नगरी की तरह अब मिनी मुंबई इंदौर भी जिस्म फिरोशी के आगोश में समाता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट MP News इंदौर।